मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम को लेकर पाकिस्तान का चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। आतंकियों के लिए पनाहगाह बने पाकिस्तान में आतंकी दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी तेजी से पैर पसार रही है। अमेरिकी सांसदों ने भी अब इस बात पर मोहर लगा दी है। अमेरिकी संसदीय समिति ने एक बैठक में चिंता जताई है कि डी कंपनी ने ड्रग्स तस्करी का धंधा दुनिया के कई देशों में फैला रखा है। अब यह शक्तिशाली आपराधिक आतंकी संगठन बन चुका है। भारत का शुरू से ही मानना रहा है कि मुंबई ब्लास्ट के आरोपी आतंकी दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान में शरण ले रखी है। अब अमेरिका के सांसदों ने उसकी डी कंपनी के विस्तार की बात को पुख्ता करते हुए भारत की बात पर मुहर लगाई है। अमेरिकी संसद की आतंकवाद और अवैध वित्त मामलों पर बनी उपसमिति की बैठक में जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लुइस शेली ने कहा, पाकिस्तान स्थित डी कंपनी मेक्सिको के ड्रग्स गिरोहों की तरह कई धंधों में लिप्त है। यह हथियारों और नकली डीवीडी की तस्करी से लेकर हवाला कारोबार तक में लिप्त है। आतंकवाद को शरण देने के आरोप में वैश्विक दबाव झेल रहा पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। इससे पहले अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई न करने पर आर्थिक मदद भी रोक दी थी, लेकिन पाकिस्तान पर इसका भी कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है। वहीं भारत ने लगातार दाऊद के कराची में होने की बात कही, लेकिन पाकिस्तान इसे सिरे से नकारता रहा है। अब अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान में दाऊद की डी कंपनी के विस्तार पर मोहर लगाई है, जिससे आतंकिस्तान पाक वैश्विक स्तर पर घिरता नजर आ रहा है।